अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास, दिस इज़ योर साइंस लेक्चर एंड आर टुडेज टॉपिक इज पार्टिकल मॉडल ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम चैप्टर नंबर 7। So the first one we have here is solid. Particles in a solid are held together strongly. अब क्योंकि जो solid है उसकी एक fixed shape होती है, वो एक shape में होता है, तो उसके जितने भी particles होते हैं उनमें force of attraction ज्यादा होती है. उन्होंने एक दूसरे को ज्यादा force से held किया होता है एक दूसरे के साथ, ठीक है. तो उनमें जो particles है वो strong होते हैं, आपस में उनका bond strong होता है. There are very little spaces among them. जब उनके अंदर फोर्स ज्यादा है, वो एक दूसरे पे ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं और ज्यादा उनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो स्ट्रांग हैं, तो वो क्या होता है कि उनके अंदर जो स्पेसेस होती हैं वो बहुत कम होती हैं एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स, ठीक है. पार्टिकल्स डू नॉट मूव फ्रीली. हमने पढ़ा है कि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं जिस मर्जी स्टेट में हो मैटर की, वो मूव जरूर करते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें फ्रीली मूव नहीं करते, वो जस्ट वाइब्रेट करते हैं. बिल्कुल जो उनके आपस उनके साथ स्पेसेस होती हैं उसके अंदर ही वाइब्रेट करते हैं, बल्कि फ्रीली मूव नहीं करते. क्यों? क्योंकि सॉलिड की एक फिक्स शेप है. अगर वो फ्रीली मूव करेंगे तो वो शेप खराब हो जाएगी, और सॉलिड की शेप ऐसे खराब नहीं होती क्योंकि उनके अंदर फोर्स बहुत ज्यादा होती है और वो एक फिक्स शेप में रहते हैं, ठीक है. तो वो फ्रीली मूव नहीं करते, बट दे ओनली वाइब्रेट इन देयर फिक्स पोजिशन. वो जिस पोजिशन में है सिर्फ उसी पोजिशन में थोड़ा सा वाइब्रेट करते हैं, ठीक है. दिस इज वाई अ सॉलिड हैज अ फिक्स्ड शेप. अब सॉलिड की फिक्स्ड शेप क्यों होती है? क्योंकि उसके पार्टिकल्स के अंदर फोर्स इतनी ज्यादा होती है कि वो एक दूसरे को स्ट्रांगली हेल्ड करके रखते हैं और शेप खराब नहीं होने देते, ठीक है. दिस वॉज सॉलिड. सो द सेकेंड वन इज लिक्विड. लिक्विड ऑफ पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आर लेस क्लोज टू ईच अदर एज कम्पेयर टू द सॉलिड. अब सॉलिड में क्या होता था, सारे पार्टिकल्स ने एक दूसरे को स्ट्रांगली हेल्ड किया होता था, ठीक है. लेकिन लिक्विड में क्या होता है कि उतना स्ट्रांगली हेल्ड नहीं किया होता, ठीक है. क्योंकि क्या होता है, सॉलिड की शेप क्या होती है, फिक्स. लेकिन वाटर की शेप कभी भी फिक्स नहीं होती. वाटर को आप जिस शेप में करना चाहें आप उस शेप में कर सकते हैं. अगर आप उसे किसी
सर्कल वाली शेप की किसी बाउल में या किसी में भी डालेंगे तो वो जो वाटर है वो सर्कल शेप का हो जाएगा। अगर आप किसी रेक्टेंगल वाले में डालेंगे तो सर्कल जो जो लिक्विड है वो क्या शेप ले लेगा उस रेक्टेंगल की, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप वाटर की एग्जाम्पल ले सकते हैं कि वाटर को आप जिस भी शेप की किसी कंटेनर में या किस में भी डालें वो उस शेप का हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो इतने क्लोजली नहीं क्लोज नहीं होते, उनके अंदर फोर्स इतनी ज्यादा नहीं होती कि वो आपको शेप चेंज ना करने दें, ठीक है। वो ज्यादा क्लोज होते हैं सॉलिड में। सॉलिड में आप शेप इतनी जल्दी से चेंज नहीं कर सकते, मतलब आपके अंदर फोर्स बहुत ज्यादा होती है, लेकिन लिक्विड में इतना नहीं होता। स्पेसेस अमंग पार्टिकल्स आर ग्रेटर देन सॉलिड्स। अब सॉलिड्स में क्या होता था, स्पेसेस बहुत कम होती थी तो पार्टिकल्स फ्रीली मूव नहीं करते थे, बस वो अपनी फिक्स पोजिशन में वाइब्रेट करते थे। लेकिन लिक्विड में क्या होता है, पार्टिकल्स मूव फ्रीली फ्रीली मूव करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर फोर्स इतनी ज्यादा नहीं होती और उनके अंदर स्पेसेस बहुत ज्यादा होती हैं तो वो फ्रीली कहीं भी मूव कर सकते हैं। पार्टिकल्स डू नॉट लीव द लिक्विड। लेकिन क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने थोड़ा सा वाटर लिया और उसे किसी कंटेनर में डाला, तो हमने क्या पढ़ा है कि पार्टिकल्स उसके फ्रीली मूव कर सकते हैं, लेकिन ये तो नहीं हो सकता ना कि उसका कोई पार्टिकल उस कंटेनर में से निकल के लिक्विड से अलग हो जाए। वो रहते लिक्विड के साथ ही है लेकिन वो फ्रीली उस स्पेस के अंदर कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। लिक्विड हैज अ फिक्स वॉल्यूम बट नॉट फिक्स शेप। अब क्योंकि आपके जो पार्टिकल्स हैं वो लिक्विड को लीव नहीं करते तो उसका जो वॉल्यूम है वो हमेशा फिक्स रहता है, उतना ही रहता है, लेकिन उसकी शेप फिक्स नहीं होती। आप उसे जिस भी शेप में कन्वर्ट करना चाहें आप उसे शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, ये सारे जो पार्टिकल्स हैं इनके अंदर स्पेसिस ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड, और ये फ्रीली मूव कर सकते हैं, जबकि सॉलिड में क्या होता था कि आप सिर्फ वाइब्रेट कर सकते थे। सो द नेक्स्ट वन इज गैस। देर आर लार्ज स्पेसिस अमंग द पार्टिकल्स ऑफ अ गैस। अब एज कम्पेयर टू लिक्विड, पार्टिकल्स ऑफ गैस क्या होता है, उनमें बहुत ज्यादा स्पेसिस होती हैं और वो बहुत ज्यादा फ्रीली मूव कर सकते हैं, ठीक है। पार्टिकल्स मूव फ्रीली इन स्पेस दे हैव। अब उनके पास किसी भी गैस के पास जितनी भी स्पेस होती है वो उस स्पेस में कहीं पे भी जहां मर्जी फ्रीली मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक कंटेनर में कोई गैस ली हुई है तो वो उस कंटेनर में जहां मर्जी मूव कर सकते हैं, लेकिन एज कम्पेयर टू दैट लिक्विड, लिक्विड को अगर आपने किसी कंटेनर में रखा है तो वो बस थोड़ी सी उसके पास जितनी स्पेस है वो बस उसी में फ्रीली मूव कर सकता है, लेकिन आपके पास जितना मर्जी बड़ा कंटेनर है अगर उसमें कोई गैस है तो वो पूरे कंटेनर में जहां मर्जी मूव कर सकती है, ठीक है। पार्टिकल्स मे लीव द गैस इफ नॉट एनक्लोज इन ए कंटेनर। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी कंटेनर में किसी गैस को एनक्लोज नहीं किया हुआ, बल्कि ऐसे ही मतलब एयर में आपने ऐसे ही कोई गैस है तो वो अपनी गैस उसके जो पार्टिकल्स हैं वो लीव भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो फ्रीली मूव कर रहे हैं, उनकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। जो वाटर था वो अपने जो पार्टिकल्स थे वो उसके लीव नहीं करते थे, लेकिन गैस के पार्टिकल्स लीव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी एक कंटेनर में गैस नहीं रखी जिसमें वो बंद और उस कंटेनर से बाहर ना जाए, बल्कि फ्रीली एयर में कोई गैस है तो वो अपने जो पार्टिकल्स हैं वो वहां से लीव कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास फ्री मूव करने की मतलब वो फ्री मूव कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज वाई अ गैस हैज नो फिक्स्ड वॉल्यूम और शेप। इस वजह से क्या होता है कि गैस की कोई फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं होता और कोई फिक्स शेप भी नहीं होती, क्योंकि उनके पास जितनी भी स्पेस है वो उसमें फ्रीली मूव कर सकते हैं, उनके अंदर फोर्स इतनी ज्यादा नहीं होती कि वो एक जगह स्ट्रांगली हेल्ड करके रखें एज कंपेयर टू दैट सॉलिड, ठीक है। अब इस डायग्राम में उसने बताया कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो सॉलिड है इसमें क्या है, इसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं उनमें फोर्स बहुत ज्यादा है और वो एक फिक्स शेप में, उन्होंने सबको एक स्ट्रांगली बॉन्ड के साथ हेल्ड किया हुआ है ताकि वो एक फिक्स शेप में रहे, ठीक है। और इसके जो पार्टिकल्स हैं वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते। एज कम्पेयर टू दैट जो लिक्विड है उसके पार्टिकल्स फ्रीली मूव कर सकते हैं और उनकी फिक्स शेप भी नहीं होती, लेकिन उनका वॉल्यूम फिक्स होता है। मतलब अगर ये एक पार्टिकल इस कंटेनर से ऐसे बाहर आना चाहे तो वो यहाँ से लिक्विड को लीव करके नहीं आ सकता, ठीक है। तो उसका वॉल्यूम तो फिक्स होता है, बस शेप फिक्स नहीं होती क्योंकि उनके अंदर स्पेसेस ज्यादा होती हैं और वो थोड़ा फ्रीली मूव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास गैस। अब गैस में क्या है, अगर इसके ऊपर कोई लिड नहीं है, ये ऊपर से ओपन है, तो गैस के पार्टिकल्स इस ग्लास में से बाहर भी आ सकते हैं, वो उस गैस को लीव करके कहीं पे भी अपनी स्पेसेस में कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अंदर इनके इनके बिटवीन इतनी ज्यादा स्पेसेस हैं कि वो फ्रीली कहीं पे भी मूव कर सकते हैं जितनी उनके पास स्पेस अवेलेबल है। अब यहाँ पर अगर कोई लिड नहीं है तो उनके पास इसका मतलब है इसके बाहर भी जितनी स्पेस है वो सारी उनके पास अवेलेबल है, तो वो कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। दिस वॉज द पार्टिकल मॉडल ऑफ सॉल्यूशन।